माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वो जर्नी जो कुछ महीने पहले शुरू की थी, उसमें आप जुड़ते रहे, कारवां आगे बढ़ता रहा। माना कि उत्तराखंड के विकास के मॉडल को बुनियादी रूप से रीड्राफ्ट करने की जरूरत है, लेकिन साथ ही हमें अपनी सोच को बदलने की भी जरूरत है। आपकी सोच उत्तराखंड की तस्वीर को बदल सकती है। उत्तराखंड में रोजगार, स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इतने बेरोजगारों को नौकरी दे पाना सरकार के बस से बाहर है। नौकरी के लिए अपना समय, पैसा, ऊर्जा और मानसिक शांति। सर, किस तरीके से आप लोगों की स्कीम्स काम करती हैं? क्या क्या स्कीम्स हैं? हमारे पास सामान्यतः मछली पालन के लिए तालाब निर्माण की जो है सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। हालांकि विगत दो वर्षों से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जरिए स्कीम है, इसके तहत भी लाभार्थियों को अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। और प्राथमिक रूप से जो मैं बेसिकली कह रहा हूँ, शायद जागरूकता की कमी हम में है, जो हम सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर उसे सही मान लेते हैं। हर बात को जब तक परखा न जाए सही मत मानिए। चाहे आप कम पढ़े लिखे ही क्यों ना हो, बस आपको पढ़ना आना चाहिए, फिर आप अपनी सुविधा की भाषा में। पुष्पा जी, एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि अभी आपको एक आपने CCL के लिए एप्लीकेशन दी थी और अभी आपको अप्रूवल का पता चला है, तो ये कितना मुश्किल काम है, कितना टाइम लगता है एप्लीकेशन देने और अप्रूव करवाने में, और आप लोगों को कितना एक्टिव रहना पड़ता है इसके लिए? सर, एक बात और बताइए, लाइक जो पाइन है ये यहाँ का नेचुरल तो नहीं है? लगभग 300 साल पहले ही इसकी प्लांटेशन लार्ज स्केल पे की गई है, तो क्या हम इसके पाइन के साथ किसी और को ग्रो करके फ्यूचरिस्टिक कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं कि पाइन के साथ मतलब मिक्स्ड फॉरेस्ट हो जाए और धीरे धीरे जो हमारी सॉइल है उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाए? हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान संभव है। समाधान ही नहीं, उत्तम परिणाम की उम्मीद भी है, लेकिन उसके लिए सोच बदलने की जरूरत है।
हर्षिता जी ये बताइए कि प्रोडक्शन तो कर लिया सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों ने, फिर उसके बाद उसकी मार्केटिंग का क्या होता है? रेनू जी मुझे एक बात बताइए, जो आपकी जमीन है, मैंने ऑलमोस्ट आपकी पूरी जमीन देख ली है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पथरीली जमीन है और अगर कोई भी इसको देखेगा तो हाथ खड़े कर देगा और लगता नहीं है कि इस पे मतलब इतनी आसानी से कुछ ग्रो किया जा सकता है। इट्स लाइक हरक्यूलियन टास्क।